ये इतने बड़े विद्वान थे, सोच लीजिए ना, इतने बड़े विद्वान थे, वेदों कितने बड़े ज्ञाता थे कि इनको स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। स्वामी विवेकानंद वही व्यक्ति है प्यारे बच्चों जो अमेरिका में जाकर के ना भारत का नाम रोशन किए थे। अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि अमेरिका में एक भाषण का आयोजन किया गया था जिसमें हर एक देश के लोग आए थे और हमारे देश भारत से ना स्वामी विवेकानंद जी को भेजा गया था कि जाइए भारत का गरिमा ऊंचा करिए, भारत का मान। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका पहुंचे तो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो सबसे पहले जब लेट हुआ ना तो एक देशी व्यक्ति था, एक अमेरिकन व्यक्ति था, वो बोला कि भारतीयों का ये हमेशा आदत होता है लेट करने वाला। और दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद धोती पहन करके गए थे तो और लोग देखकर हंसे, भाई देखो आ गया धोती पजामा वाला, समझ गए ना। स्वामी विवेकानंद का मन को शीतल बनाकर करके मन को एकदम शांत रखे चुपचाप बैठे रहे। जब सारे विदेशियों ने भाषण दे लिया, यानी कि सारे लोग जब भाषण दे लिए, तो भारत वाले को ना सब स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, बताओ भाई किस टॉपिक पे भाषण देना है। तो लोगों ने सोचा ना कि भारत को अच्छे से बेइज्जती करवाते हैं आज। स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि आप जीरो पर भाषण दीजिए, जीरो जो कुछ भी नहीं है जीरो पर भाषण दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराया और कहा कि अच्छी बात है। और जब भाषण देना शुरू किए, तो जितना ज्यादा भीड़ वाले से था उससे कई गुना ज्यादा, इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो हमारा देश भारत प्यारे बच्चों वीरों से विहीन नहीं हुआ है, यहाँ अनेक वीर हैं, अनेक वंदर हैं, समझ गए ना। अगर कोई कहे कि भारत वीरों से विहीन हो गया है तो बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी जैसे